नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल न्यूज 24 में। युवा क्रांतिकारी छात्र दल, व्यवसायिक वर्ग एवं आम नागरिकों ने बिजली ऑफिस पर जमकर किया विरोध प्रदर्शन। रोहतास जिले के नासरीगंज प्रखंड व नगर पंचायत क्षेत्र में बिजली के अधिनियम रूप से कटौती, बिजली का बिल गलत ढंग से आने व अन्य बिजली की समस्याओं से परेशान होकर नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत धूस के निकट स्थित बिजली ऑफिस पर युवा क्रांतिकारी छात्र दल, व्यवसायिक वर्ग एवं आम नागरिकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारी मुर्दाबाद, SDO JEE ओवरसियर मुर्दाबाद, बिजली विभाग के अधिकारी होश में आओ के नारे भी जमकर लगाए। ज्ञातव्य हो कि नगर व प्रखंड क्षेत्र में बिजली व्यवस्था कुछ दिनों से अफसरों की बेवजह घोर लापरवाही के कारण बिल्कुल नगण्य स्थिति में रह रही है। बिजली की नियमित रूप से आपूर्ति नहीं होने के कारण इस भीषण गर्मी में उपभोक्ता परेशान है। सुबह से शाम तक इस गर्मी से बिजली कटने से लोगों का घर में रहना मुश्किल हो रहा है। वहीं छात्रों को पढ़ने में व व्यवसायियों को अपनी व्यवसाय करने में भी बहुत ही परेशानियां उठानी पड़ रही है। जब इन संबंध में बिजली ऑफिस पर अधिकारियों से बातचीत करने के लिए लोग पहुंचे तो ऑफिस पर सभी पदाधिकारी अनुपस्थित पाए गए, जिससे आक्रोशित होकर छात्रों, व्यवसायियों, आम नागरिकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोकल न्यूज 24 के लिए विकास से धर्मेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। और प्रदेश सरकार का कार्यक्रम चलता हुआ भी है, उसके बाद भी पदाधिकारी को समझ में नहीं आता है कि बिजली रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। ये सभी छात्र हैं जो सभी BA BEd वगैरह करते हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं, सभी पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, कितना मेहनत करते हैं, और आज ये लोग बहुत माने ये उतावला हो करके आज बोले कि नहीं, आज चला जाए बिजली विभाग में, अफसरों से बात की जाए। और यहाँ पर यह दशा है कि एक भी अफसर का यहाँ पर कोई और ठिकाना नहीं है, ना ओवरसियर है, ना SDO है। SDO साहब से बात हुई, संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। बताइए, ये कितनी मनी शर्म की बात है कि इन लोगों को सोचना चाहिए कि सरकार जब हमारी इतना व्यवस्था दे रही है और इसके बाद भी लापरवाही है। किसी भी कस्टमर को, किसी भी कंज्यूमर को ये लोग संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। यहाँ तक कि पत्रकार लोग भी जब आप लोग फोन करते हैं तो ये लोग संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं। अभी तो आपकी NDA की सरकार है और वो बिजली को लेकर के काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 2400 घंटा बिजली रहेगी, फिर भी लोगों को बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। क्या इसमें सरकार की नाकामियाँ है या नहीं है? बिल्कुल सरकार की नाकामियाँ नहीं है, अफसर की नाकामियाँ है। ये अफसर इसमें दिन प्रतिदिन लापरवाह बरतते हैं और कभी भी संयम से काम नहीं लेते हैं। इसमें हमारी सरकार की बदनामी होती है। अनियमित बिजली रह रही है, बिजली का कोई सीमा नहीं है। लाइन कटने के बाद 8-8 घंटा, 10-10 घंटा लाइन नहीं रह रहा है। लोग गर्मी से, इस गर्मी में बुरे हाल है, लोग परेशान हैं। छात्र, नौजवान लोगों का पढ़ाई बाधित हो रहा है। बच्चे इस गर्मी में ननिहाल चिल्ला रहे हैं और गर्मी बेतहाशा है। इसलिए ये नौजवान बिजली को सुचारू ढंग से चलाने के लिए चिल्ला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग अनशन पर बैठने के लिए तैयार हैं, भूख हड़ताल करेंगे किया जाएगा और इसको, इस आंदोलन को जारी रखेंगे में तेजी लाया जाएगा। क्या आपने इसमें अधिकारियों से बात की है तो क्या बोले? अधिकारियों से बात करने पर उसका सटीक जवाब नहीं मिल रहा।